प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक बहुत ही धनी व्यक्ति रहता था। उसके दो पुत्र थे। उसका बड़ा पुत्र बहुत ही तेजस्वी था। वो दोनों भाई धीरे धीरे बड़े हुए। बड़े होने के बाद दोनों भाइयों में वैराग्य उत्पन्न हो गया और वो दोनों वैरागी बनकर गंगा के तट पर झोंपड़ी बनाकर रहने लगे। बड़े भाई की झोंपड़ी नदी की इस ओर थी और छोटे भाई की झोंपड़ी नदी के दूसरी ओर थी। उन दोनों भाइयों के बीच काफ़ी फैसला था। वो दोनों वहाँ पर बड़े ही आराम से रह रहे थे। उसी नदी में मणिकंठ नाम का एक नागों का राजा रहता था, जो हर रोज नदी से निकलकर साधु का वेश धारण करके घूमता फिरता था। फिर एक दिन वो नागराज साधु के वेश में घूमता घूमता छोटे भाई की कुटिया तक पहुँच गया। छोटे भाई ने उसे साधु समझकर का बड़ा आदर से स्वागत किया और उसे अपनी कुटिया के अंदर ले गया और कुछ देर तक उन दोनों के बीच कुछ वार्तालाप हुई। वो दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ गए थे। फिर अगले दिन वो नागराज फिर से साधु का वेश बनाकर उसकी कुटिया में आए। ऐसे ही कुछ दिनों तक उन दोनों के बीच चलता रहा। फिर उनके बीच एक गहरी मित्रता बन गई और अब वो नागराज साधु का वेश बनाकर आ तो जाते, लेकिन वापस जाते वक्त अपने वास्तविक रूप में आकर उससे लिपट जाते थे और लिपट लिपट कर अपने प्यार का इजहार करते थे। उस छोटे भाई को नागराज के इस रूप से बहुत ही डर लगता था, लेकिन दोस्तों वो मित्रता के कारणवश उसे कुछ भी कह नहीं पाता था। लेकिन वो डरने की वजह से दिन प्रतिदिन कमजोर होने लगा, क्योंकि वो खाना भी सही तरीके से नहीं खा पा रहा था। फिर एक दिन वो टहलता टहलता दूसरे भाई की कुटिया के पास पहुंच गया। दूसरे भाई ने जैसे ही उसे देखा तो उसे कहा कि तात, तुमने अपनी ये हालत कैसे बना डाली? क्या तुम्हें कोई रोग लग गया है? तब दोस्तों छोटे भाई ने बड़े ही विस्तार पूर्वक नागराज की सारी बात बड़े भाई को बता डाली। तब दोस्तों बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा कि आप जब भी वो नागराज तुम्हारे पास आए, तब तुम उनका सबसे कीमती आभूषण मांग लेना। मुझे लगता है ऐसा तुम दिन प्रतिदिन करोगे तो वो तुम्हें छोड़कर वहाँ से चले जाएंगे, क्योंकि हर किसी को अपनी सबसे कीमती वस्तु बहुत ही प्यारी लगती है। वो उसे किसी भी हाल में किसी को नहीं देना चाहते हैं। छोटा भाई बड़े भाई की ये बात सुनकर तुरंत अपनी कुटिया में लौट आया और उसने वैसा ही किया जैसा बड़े भाई ने कहा था। फिर अगले दिन जब नागराज उसकी कुटिया में प्रवेश करने ही वाले थे, तब उस छोटे भाई ने कहा कि तात, मुझे पहले अपनी मणि दे दो। नागराज छोटे भाई की बात को सुनकर कुटिया में प्रवेश किए बिना ही वापस लौट गए। और अगले दिन फिर से नागराज के आते ही छोटे भाई ने तुरंत वैसा ही कहा जैसे बड़े भाई ने कहा था। इस बार भी नागराज उसकी बात को सुनकर वहाँ से बिना कुछ कहे वापस चले गए। पर अब तीसरा दिन था। छोटा भाई नदी के पास ही चला गया था। जब नागराज नदी से बाहर निकलने ही वाले थे, तब छोटे भाई ने नागराज से तुरंत कहा कि तात, आज मुझे 3 दिन हो गए हैं, आप मुझे अपनी मणि दे दो। तब दोस्तों नागराज ने कहा कि मित्र, ये मेरा सबसे बहुमूल्य आभूषण है, इसे मैं किसी को नहीं दे सकता हूँ। आज से मैं तुम्हारी कुटिया में नहीं आऊँगा। ऐसा कहकर नागराज वहाँ से चले गए। इसलिए दोस्तों दुष्ट और बुरे लोगों से छुटकारा पाने के लिए सबसे आसान तरीका है उसकी सबसे प्रिय वस्तु को मांगना शुरू कर दो। वो खुद आपसे दूरियां बनाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों ऐसी ही इंस्पिरेशन कहानी हर रोज देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।